नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेएसएम आईआईटी एंड मेडिकल हब। और आज हम बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम विच प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पाई से। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, हमें ये जो है इट बेस्ड ऑन द वैंट हॉफ इक्वेशन, और वैंट हॉफ इक्वेशन में हम इसमें क्लास वर्क का हम 32 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड के बुक का, उसमें वी हैव द वैंट हॉफ इक्वेशन पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इस वी को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो हमें मिलेगा पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी, एंड वी कैन हैव पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिव्स यू कॉन्सेंट्रेशन, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, बट वी कैन हैव द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स का ये जो फॉर्मूला है अगर मैं इस इक्वेशन में रखू तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा पाई इंटू वी, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमने रखी W2, that is the weight of solute, and M2, that is the molar mass of solute, यहाँ पे है R into T, and यहाँ पे R into T, जैसा के वैसा number of moles की value रखी W2 upon M2, ये equation में, पहले वाले equation में। अगर इस volume को भी हम अगर इधर लेके जाए तो हम इसको इधर लेके जा सकते हैं, and we can have this equation, pi is equal to W2 RT upon M2 into V, so we can have this equation। और अगर हमें इसमें से मोलर मास निकालना है तो मोलर मास को इधर लेके जाएंगे, पाई को इधर लेके जाएंगे। अब हम 32 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, 32 नंबर के न्यूमेरिकल को सबसे पहले लिख लेते हैं हम। ठीक है, 32 नंबर का न्यूमेरिकल ऑफ द क्लास वर्क, इसमें भी 33 नंबर का न्यूमेरिकल आपको होमवर्क रहेगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, सबने अच्छे से घर पे होमवर्क सॉल्व करना है और मुझे आंसर इसके कमेंट सेक्शन में लिख के भेजने हैं, याद से ध्यान में रखना। ठीक है, अगर कमेंट्स आई नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा सॉल्यूशन पे, ये सब आपके लिए हो रहा है। ठीक है, सो 32 नंबर का और 33 और 34 नंबर का न्यूमेरिकल आप होमवर्क के लिए आपको ये सॉल्व करेंगे। तो अभी हम 32 नंबर का न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। पहले हम लिखेंगे न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिनोट करते हैं, पाई से, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.8 इंटू 10^-3 kg, इतना क्या है प्रोटीन पर 1 × 10^-4 मीटर क्यूब, 1 × 10^-4 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज 3.02 × 10^3 पास्कल पास्कल एट 37 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का आपको क्या निकालना है, मोलर मास, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट को हम डिनोट करते हैं एम टू से, ये आपको निकालना है। आर की वैल्यू तो आपको पता ही रहती है, वो आपको यहाँ पे यूज करनी है। अब सबसे पहले हम इसका लिखेंगे गिवन डाटा, सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, उसने बोला पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग, क्या कंटेन है, 6.8 × 10^-3 kg, तो 6.8 × 10^-3 kg, ये क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट का नाम भी दिया है, क्या है सोल्यूट का नाम, प्रोटीन,
So W2, that is the weight of protein. Weight of protein, that is solute. Weight of solute आपको दिया है, कितना है? 6.8 × 10⁻³ kg. Weight of solute है. उसके बाद per ये मीटर क्यूब में उसका क्या दिया है? Volume. So we have this volume of solution. Volume of solution. मीटर क्यूब है इसलिए वो वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम डिनोट करते हैं वी से. कितना है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने डिनोट किया वी से. और कितना है वॉल्यूम? दैट वॉल्यूम वी इज यहाँ पे दिया है, दैट इज 1 × 10⁻⁴ यूनिट है मीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब. किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. आफ्टर हैविंग दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वन मोर थिंग वी हैव हियर, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो हमको यहाँ पे दिया है, दिस इज व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर. क्योंकि उसने बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, कितना है ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज 3.02 × 10³ pascal. दिस इज द विच प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर. उसके बाद बोला एट 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस है ये जो है, दैट इज द टेम्परेचर. 37 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. एंड हमें क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज डिनोटेड बाय M2, वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब ये बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव द डायरेक्टली द फॉर्मूला ऑफ दिस, व्हाट पाई इज इक्वल टू बाय व्हिच इक्वेशन? वैंट हॉफ इक्वेशन. सो आई राइट हियर बाय व्हिच इक्वेशन? वैंट हॉफ इक्वेशन. बाय वैंट हॉफ इक्वेशन, बाय वैंट हॉफ इक्वेशन पाई इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी. क्या है? पाई इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी. फिर एन की वैल्यू लिख दी तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी अपॉन एम टू इंटू वी. डब्ल्यू टू आर टी अपॉन एम टू इंटू वी. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है एम टू की. और इसके एम टू के फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला कैसे आएगा? M2 के फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वी गेट दिस फॉर्मूला. M2 इज इक्वल टू, M2 को उधर लेके जाओ तो वी गेट W2RT अपॉन पाई इंटू वी. W2 इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट. क्या है गिवन मास ऑफ सोल्यूट? 6.8 × 10⁻³ kg. आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. और टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि मैक्सिमम वैल्यू, जैसे आर की वैल्यू क्या है? केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल. और इसलिए टेम्परेचर भी क्या में होना चाहिए? केल्विन. और इसलिए इसमें 273 ऐड करेंगे. सो इट विल बी अ 7+3 01 कैरी, 7+3 10 & 1 11 1 कैरी, 310 केल्विन. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा, द टेम्परेचर विल बी अ 310 केल्विन. तो 310 केल्विन मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट की? टेम्परेचर की. उसके बाद पाई, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर. कितना दिया है? वी हैव द वैल्यू ऑफ पाई विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर 3.02 × 10³ pascal. पास्कल मतलब ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है. कितना है वॉल्यूम? वॉल्यूम इज गिवन इन अ मीटर क्यूब विच इज 10⁻⁴ मीटर क्यूब. 10⁻⁴ मीटर क्यूब. इस तरह हमें ऑल द वैल्यूज दी हुई है. और अगर ये हमारे पास सभी वैल्यूज है तो हमें उसमें अभी वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यूनिट्स को सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास है मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब. तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ मीटर. ठीक है, अब उसके बाद क्या है? ये केजी है, ये जूल है. यहाँ पे डिनोमिनेटर में यूनिट कैंसिल हो गए,
तो हमें मोलर मास का यूनिट मिलेगा केजी पर मोल, ये केल्विन और पर केल्विन क्या हो गया कैंसल, और जूल का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, जूल मतलब क्या होता है न्यूटन मीटर, तो ये मीटर और ये मीटर भी क्या हो गया कैंसल, तो ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे ये न्यूटन और ये न्यूटन क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है केजी पर मोल, तो दैट विल बी द यूनिट। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व अगर करना है तो मैंने यूनिट्स को सॉल्व कर दिया, अभी पावर्स का हिसाब कर लेते हैं। पावर के हिसाब में सबसे पहले यहाँ पे है माइनस फोर, यहाँ पे है प्लस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, तो यहाँ पे बच गया माइनस वन और ऊपर है माइनस थ्री, ये माइनस वन जो है ऊपर गया प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस थ्री और वो प्लस वन, तो इट विल बी अ माइनस टू। फिर से एक बार पावर का हिसाब बता रहा हूं, ये माइनस फोर ये प्लस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, माइनस वन ऊपर गया, ऊपर गया तो हो गया प्लस वन, तो वो प्लस वन और ये माइनस थ्री हो गया माइनस टू। अभी बाकी वैल्यूज पुट कर रहे ले रहे हैं 6.8, फिर यहाँ पे 8.314, फिर वहां पे 310, ये हो गए न्यूमरेटर, और डिनोमेटर में है बचा सिर्फ 3.02। पावर का हिसाब हो गया, चलो सब वैल्यूज पुट करेंगे, एंड आफ्टर पुटिंग दैट ऑल द वैल्यूज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, चलो अभी ये वैल्यूज पुट हो गई। अब हम 6.8 है तो ये हो गया 0.8, तो 0.123 कितने डिजिट बाद पॉइंट है, तीन डिजिट बाद, तो तीन डिजिट बाद है इसलिए 2 पॉइंट, यहाँ पे एक डिजिट बाद है इसलिए 0.68 का जीरो में क्या देखना है लॉग, 68 का जीरो में अगर हम लॉग देखेंगे तो इट इज 8325, 68 का जीरो में है 8325। नेक्स्ट 8.314 का तो हमें पता ही होता है 9198, उसके बाद 31 का जीरो में, 31 का जीरो में अभी हम लॉग देखेंगे, सो 31 का जीरो में 4914, ठीक है। अब ये सब क्या कर लेंगे ऐड, 8 and 4 12 12 and 5 7, 1 कैरी, 9 and 1 10 and 1 11, 11 and 2 13, 1 कैरी, 9 and 2 11, 11 and 3 14, तो 4 कैरी, 14 4, 1 कैरी, 9 and 1 10, 10 and 4 14 and 8 22 2, it is 4.2437। अब इसका 30 का 2 में देखेंगे, 30 का अगर हम 2 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 का 2 में है 4800 4800, 7 minus 0 7, 3 minus 0 3, 14 minus 8 हो गया 6, 14 minus 8 6, 1 कैरी, 12 minus 5 7, 1 कैरी, 3.7637। अब इसका देखेंगे एंटी लॉक, 76 का 3 में 7 में मीन डिफरेंस, 76 का 3 में 5794 5794 7 में मीन डिफरेंस है 10, 76 9 है मीन डिफरेंस, इसमें 9 ऐड कर लेंगे, 9 and 4 3, 1 कैरी, 9 and 10 0, 1 कैरी, 7 and 1 8, 5803, सो यू गेट द आंसर 5.803 इंटू 10^3 एंड 10^-2, सो इट इज 10^1, सो इट इज 58.03 इंटू 10^-1,
58.03, you get this answer, and its unit will be gram per mole. Its unit will be gram per mole. So we get the answer, that is molar mass of solute is 58.03. Sorry, unit will be kg per mole. Kyunki yahan pe kon bacha hai? Kg. And this is the exact answer that we get, that is 58.03 unit is kg per mole. इसके बाद के ये दो न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क के लिए हैं, वो दो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं, 33 एंड 34. ठीक है, रिमेनिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. 33 34 आपको सॉल्व करने हैं, पॉसिबल हुआ तो 35 भी सॉल्व करना है. ये तीन सॉल्व करने हैं, इसमें से जो नहीं समझा वो मुझे व्हाट्सएप पे या यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाउट करके लिखना, तो मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो आपको ये तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, 33, 34 एंड 35 ऑफ क्लास वर्क. क्लास वर्क के ये तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपको, 33, 34 एंड 35. ठीक है, थैंक यू सो मच. कुछ नहीं समझा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.